जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम बता दें, हमारा फिटर थ्योरी का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसमें हमारी आज तीसरी यूनिट है मार्किंग एवं मार्किंग औजार। ये जो हम आप लोगों को यह फिटर थ्योरी का जो कोर्स स्टार्ट किए हैं यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, ठीक है। हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा है मार्किंग और मार्किंग औजार में हमारी दो टॉपिक की पढ़नी है, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट। इसके पहले हमने मार्किंग पढ़ा था, मार्किंग मीडिया पढ़ा था, ठीक है। मार्किंग और मार्किंग मीडिया के बाद हम दो चीज़ें आज पढ़ेंगे, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट। इसमें दोस्तों देखते हैं हमारा सरफेस प्लेट क्या होता है। ये क्या होता है? सरफेस प्लेट। सरफेस मतलब कोई सतह है। क्या सतह? सतह और एक प्लेट है, कोई सतह या प्लेट। तो सबसे पहला इसका यूज पूछता है एग्जाम में, इसका यूज क्या होता है, सरफेस प्लेट का यूज क्या होता है। आपके सामने फिगर भी दिख रहा है, अभी इसको भी बताएंगे हम। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जाब की समतलता। जाब की समतलता, समतलता मतलब हम कोई अगर वर्कशॉप में जाब बना रहे हैं तो जाप बनाने के बाद जब हम उसको फायरिंग करते हैं तो उसको हम चेकिंग करते हैं कि हमारी जो सतह समतल है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का भी यूज करते हैं और सरफेस प्लेट का भी हम यूज कर सकते हैं। इस पे समतलता कैसे चेक करते हैं? इस पे हम लोग जो हमारा ये सरफेस प्लेट आपको दिख रहा है, ये समतल सतह सरफेस प्लेट का है। इस पे ये हैंडल है, इसको स्टैंड पे हम लोग क्या करते हैं, रखे रहते हैं। वर्कशॉप में आप लोग देखे होंगे इसको स्टैंड पे रखे रहते हैं। तो इस पर हम लोग लगा देते हैं पर्शियन ब्लू। इस सरफेस प्लेट पे क्या करते हैं, पर्शियन ब्लू लगा देते हैं या तो हम सिंदूर लगा देते हैं, ठीक। इसकी सतह पे लगा देंगे। लगाने के बाद जो हमारा जाब होगा, जाब को ला के इस पे क्या करेंगे, हम लोग रगड़ेंगे, इसको घुमाएंगे चारों तरफ, ठीक है। जाब को जब घुमाएंगे तो उसके बाद हमारा जो जाब को जब उठा के देखेंगे तो जाब पे हमारी जहां जहां सतह ऊंची होगी, जहां जहां सतह ऊंची होगी उस पर पर्शियन ब्लू या सिंदूर पे क्या दिखाई देंगे, आप लोगों को निशान दिखाई देंगे, ठीक है। जब वो निशान दिखाई देंगे तो आप लोग उसको क्या करेंगे, फिर फाइल की सहायता से उसको समतल करेंगे। तो पहला यूज समझ में आया जाप की समतलता, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा है मार्किंग। क्या करता है? मार्किंग भी करता है। ये कैसे मार्किंग करता है आप लोगों को हम बताए थे। जब इसका हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज और एंगल प्लेट की सहायता से हम लोग जाप क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। यानी एक डेटम सरफेस प्रदान करता है। एक ऐसे हम लोग इस पे वर्नियर हाइट गेज भी रख देते हैं और एंगल प्लेट रख देते हैं और अपना जाप भी रख देते हैं। सबके लिए ये क्या कर रहा है, एक डेटम सरफेस एक आधार प्रदान कर रहा है। सरफेस प्लेट क्या कर रहा है, एक आधार प्रदान कर रहा है जिससे हमारी जो मार्किंग होती है एक्यूरेसी में होती है, ठीक है। यानी यह जाप की समतलता चेक कर रहा है और मार्किंग कर रहा है, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिख गया है समतलता चेक करता है, उस पर ट्रिक कर सकते हैं, मार्किंग उसके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इसमें है, मटेरियल। इसका मटेरियल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मटेरियल क्या होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। अगर ओनली वन मटेरियल पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। वैसे तो कई मटेरियल के बनाए जाते हैं लेकिन अगर केवल बात करें मटेरियल की, यानी पूछे आप लोगों से सरफेस प्लेट किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन बनाया जाता है। दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसका टाइप। क्या पूछता है? टाइप में पूछ देगा आप लोगों को। पदार्थ के आधार पे इनको तीन भागों में बांटा गया है, पदार्थ के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है और उपयोगिता के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, इनके बारे में बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। तो पदार्थ के आधार पे हमारा जो पहला है कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। पदार्थ के आधार पर जो हमारा कास्ट आयरन है ये दोस्तों हमारा दो ग्रेडों में मिलता है। कास्ट आयरन कितने ग्रेडों में मिलता है? दो ग्रेडों में मिलता है। देखिए यह ग्रेड ए और ग्रेड बी दो ग्रेडों में मिलता है। कौन? जो हमारा कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट कितने ग्रेडों में मिलेगी? दो ग्रेडों में। जो ग्रेड ए वाला होता है इसकी शुद्धता कितनी होती है? 5 माइक्रॉन। इसकी शुद्धता कितनी होगी? 5 माइक्रॉन इसकी शुद्धता होती है, ठीक है। और इसकी शुद्धता कितनी होती है? 20 माइक्रॉन होती है। यानी अधिक शुद्ध कौन हुआ? अधिक शुद्ध कौन हुआ? ग्रेड ए वाला। यानी पूछ देगा आप लोग को एग्जाम में कास्ट आयरन कितने ग्रेडों में मिलता है, आप लोग क्या बताएंगे? कास्ट आयरन दो ग्रेडों में मिलता है, ए और बी। कभी पूछ देगा ग्रेड ए की शुद्धता कितनी होती है या ग्रेड बी की शुद्धता कितनी होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि
कास्ट आयरन किसी दो ग्रेडों में मिलता है, ग्रेड ए की शुद्धता 5 माइक्रोन, अधिक शुद्ध कौन हुआ, ग्रेड ए वाला हुआ, ठीक है, और कम शुद्ध ग्रेड बी वाला हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। इससे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा सरफेस प्लेट ऐसा है जिसपे खरोच के बाद बर नहीं आते हैं, जिसपे खरोचने के बाद क्या आते हैं, बर नहीं आते हैं। जो हमारे बर फाइलिंग करते होंगे तो आप लोगों को बर दिखाई देते होंगे, हाथ से टच करने के बाद हमें एहसास होता है, दिखता भी है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बर नहीं आते हैं, कौन सा सरफेस प्लेट ऐसा है बर नहीं आते हैं, यानी आप लोग क्या बताएंगे, ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट। कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। और यह क्या होता है, कठोर होता है और भंगुर भी होता है। यह कठोरता की इसकी कठोरता के कारण यह क्या होता है, भंगुर होता है। यानी इसके बारे में भी हम लोग जान लिए, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हमारा। तीसरा सरफेस प्लेट कौन सा होता है, ग्लास का सरफेस प्लेट। यह हमारा किसका बनाया जाता है, शीशे का या ग्लास का, ठीक है। इसका क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन में, किस सरफेस प्लेट पे हम पंचिंग नहीं कर सकते, पंचिंग किस पे नहीं करेंगे, इस पे पंचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। पंचिंग तो वैसे किसी पे नहीं की जाती है, लेकिन इस पे हम लोग नाम मात्र की भी पंचिंग नहीं कर सकते, इस पे किस पे, ग्लास वाले पे, ठीक है, पंचिंग नहीं करते, इस पे पंचिंग नहीं करते, ठीक है। यानी हम लोग तीन पदार्थ के आधार पे, तीन पदार्थ कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास, इन तीनों से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। हमने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। पहले बांटे थे हम लोग पदार्थ के आधार पे, दूसरा है उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे हमारे तीन सरफेस प्लेट हैं, और तीनों सरफेस प्लेट में उसकी एक्यूरेसी अधिकतर पूछी जाती है, उसकी एक्यूरेसी और यूज दो चीज पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो पहला हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट वो सरफेस प्लेट है जो हम वर्कशॉप में देखते हैं, जिससे हम लोग साधारण कार्यों के यूज करते हैं। पूछ देगा एग्जाम में किस वर्कशॉप सरफेस प्लेट का यूज कहाँ करते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट का यूज हम साधारण कार्यों में करते हैं, ठीक है। और पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन, इसकी एक्यूरेसी बताइए, इसकी एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.025 mm या 0.001 इंच। यह भी दे देगा ऑप्शन में और यह भी दे देगा, यानी आप लोग को दोनों ख्याल रखना है। अगर mm में ऑप्शन में दिया रहे, आप इंच में याद करके गए हैं, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अरे हम तो ये पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। यानी आप लोग दोनों याद कर लीजिए, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। यानी एक्यूरेसी कितना वर्षा सर्वे प्लेट की, इतना दिया है जो, और इसका यूज साधारण कार्यों के लिए, ठीक है। अगला मात्र निरीक्षण सर्फेस प्लेट। निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा है यह किसी चीज का क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। यह निरीक्षण किसका करेगा, इसके ऊपर वाला जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है उसका क्या करेगा, ये निरीक्षण करेगा। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछे कि निरीक्षण सरफेस प्लेट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग निरीक्षण सरफेस प्लेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसकी अगर एक्यूरेसी पूछ दे, दो ही चीज तो पूछेगा, यूज और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी होती है 0.0025 mm से लेकर 0.001 इंच तक, इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर यानी यह दोनों का मास्टर है, मास्टर मतलब यह दोनों का मास्टर है, यानी यह दोनों से भी शुद्ध है। कम शुद्ध था, उससे अधिक शुद्ध यह हुआ, अब यह सबसे ज्यादा शुद्ध है, ठीक है। यानी हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, जहां पे हमारे सरफेस प्लेट बनाए जाते हैं, जहां पे हमारे सरफेस प्लेट बनाए जाते हैं उनकी जांच करने के लिए। यानी मास्टर सरफेस प्लेट का आप लोगों को यूज पूछेगा, आप बताइएगा कि जहां पे हमारे सरफेस प्लेट बनाए जाते हैं वहां पे हम लोग इनका यूज करते हैं। और इनकी एक्यूरेसी देखिए, सबसे ज्यादा इनकी एक्यूरेसी है 0.0025 mm या 0.001 इंच। यानी आप लोग mm भी याद करना है, आपको इंच में भी, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यानी ये जो उपयोगिता के आधार पर बताए हैं हम, इसका दो मेन है, यूज और एक्यूरेसी, ठीक है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरफेस प्लेट मटेरियल बता दिए, टाइप बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका ये कितने ग्रेडों में मिलता है, यह कितने ग्रेडों में मिलता है, तो आप लोगों को बता दें हमें यह तीन ग्रेडों में मिलता है। तीन ग्रेडों में, ग्रेड में ग्रेड वन मिलेगा, दो और तीन। कहीं कहीं जाके पूछ देगा आप लोगों को सरफेस प्लेट कितने ग्रेडों में मिलता है, तो आप बताएंगे तीन ग्रेडों में मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनल कास्ट आने का पूछे तो आप बताएंगे ए और बी दो ग्रेडों में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इसका साइज भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, यह कितने साइज में मिलता है,
जो हमारी साइज होती है 50 × 50 सेमी वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, 50 × 50 वर्ग सेमी लंबाई और 2.5 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है मोटाई, क्या होती है मोटाई। ठीक, एक दूसरा आपको दे देगा कहीं अगर ऑप्शन में 100 × 100 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी क्या है आपकी लंबाई हो जाएगी और 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक आपको क्या हो जाएगी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, आप लोग साइज को भी थोड़ा केयर कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया है साइज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रेड जान लिए, इसकी साइज भी जान लिए। ठीक है, तो इसके बाद इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो जितना था हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस प्लेट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सरफेस प्लेट का यूज क्या है, इसके टाइप क्या है, इसके मटेरियल क्या है, सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एंगल प्लेट, यहां पे आते हैं एंगल प्लेट। ठीक है, सरफेस प्लेट का दूसरा टॉपिक है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जो होता है एंगल से ही स्पष्ट होता है, हमें पता चल रहा है कि यह किसी एंगल में होगा। यह क्या होगा एंगल, मतलब किसी कोण में बना होगा, तो यह कोण किस कोण में बना है, यहां बताएं हम लोग 90 डिग्री में। ये देखिए दोस्तों इस तरह है, जैसे हमारा ये देखिए, जैसे हमने यह इस तरह बना होगा आप लोगों का, यह एंगल इस तरह होता है, जिसके भी कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसका कोण कितना होता है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री होता है। ठीक है, यह एक विशेष एंगल में बना है आप लोगों को। ठीक, और इसका एंगल कई बार पूछा गया है कि एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका देखिए यू मटेरियल पूछेगा, मटेरियल क्या बताएंगे आप लोग, कास्ट आयरन या क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन भी कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है। तो एंगल प्लेट का एंगल 90 डिग्री, मटेरियल कास्ट आयरन, दो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए यूज, इसका यूज भी पूछता है। मार्किंग करते समय जाब को सपोर्ट, ये क्या करेगा, मार्किंग करते समय जाब को क्या करेगा, सपोर्ट प्रदान करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसको सरफेस प्लेट के साथ यूज करते हैं, जब वर्नियर हाइट गेज से वर्कशॉप में हम लोग मार्किंग करते हैं सरफेस प्लेट पे, तो जाब को, हमारा जाब तो स्थिर नहीं रह सकता, उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, जैसे यह एंगल प्लेट है, इसकी इस साइड हम लोग क्या करते हैं जाब को रख देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग वर्नियर हाइट गेज की सहायता से क्या करते हैं मार्किंग करते हैं, यानी इसका यूज। तीसरा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट यूज पूछ देगा आप लोगों को कि एंगल प्लेट का यूज कहाँ करते हैं, तो जाब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, सिंपल सा। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से चल रहे हैं और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम वही आपके सामने लाए हैं। ठीक है, अगला हमारा है ग्रेड, ये कितने ग्रेडों में मिलता है, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जो पूछता है। ठीक है, यह कितने ग्रेडों में मिलता है, यह 2 ग्रेडों में मिलता है, सिंपल सा। ये कितने ग्रेडों में मिलता है, ये 2 ग्रेडों, आप लोग नोट्स कर सकते हैं या फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, या हम जो पॉइंट बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला, ये क्या कितने ग्रेडों में मिलता है, यह 2 ग्रेडों में मिलता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। अब पूछ देगा किसकी शुद्धता अधिक होती है, ग्रेड ए की शुद्धता क्या है, देखिए अधिक परिशुद्ध, ग्रेड ए की परिशुद्धता क्या होती है, अधिक होती है, और ग्रेड 2 की परिशुद्धता कम होती है। तो ये भी पूछ देगा आप लोगों को ग्रेड ए का यूज कहाँ करते हैं, ग्रेड 1 का और ग्रेड 2 का। तो इसका जो अधिक परिशुद्ध है यानी टूल रूम में, कहाँ, जहाँ हमारे टूल बनाए जाते हैं, टूल रूम में कर देंगे इसका, साधारण कार्यों के लिए, किसके लिए, साधारण कार्यों के लिए। इससे 3-4 क्वेश्चन बने, ये कितने ग्रेडों में मिलता है, 2 ग्रेडों में मिलता है, कौन अधिक परिशुद्ध होता है, ग्रेड 1 अधिक परिशुद्ध होता है, ग्रेड 2 कम परिशुद्ध होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो पहले का टूल रूम में करेंगे, जो अधिक परिशुद्ध होगा टूल रूम में, जो कम परिशुद्ध होगा उसको साधारण कार्यों के लिए करेंगे। आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला देखिए टाइप, इसे टाइप पूछ देता है। पहला है सॉलिड टाइप, यानी जो हमारा एंगल बना होगा एंगल प्लेट वह सॉलिड होगा। ठीक है, एकदम से क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड मतलब उसमें खांचे नहीं कटे होंगे। अगला है स्लॉटेड, उसमें अगर स्लॉट कट जाएंगे, देखिए अगर ये स्लॉट इसमें ना कटा होता,
इसको हम क्या मानते हैं सॉलिड वाला, लेकिन इसमें स्लॉट काट दिए हम लोग तो क्या हो गया स्लॉटेड। ठीक है, अंतर क्या है, सॉलिड वाला है जो छोटे 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 साइजों में मिलता है और छोटे जामों के लिए प्रयोग करते हैं सॉलिड वाले का, किसका सॉलिड वाले का छोटे छोटे जामों के लिए प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं आप लोग इसका थोड़ा उसकी अपेक्षा बड़े जामों के लिए करते हैं। इसमें स्लॉट कटे होते हैं, और स्लॉट क्यों कटे होते हैं, स्लॉट पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एंगल प्लेट में हमारे स्लॉट क्यों काटे जाते हैं, ये जाब को क्लैंप करने के लिए, नोट कर सकते हैं आप लोग जाब को क्लैंप करने के लिए, ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा जाब को क्लैंप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये रिब्स, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दिए जाते हैं, रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो हमारे एंगल प्लेट में रिब्स इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि एंगल प्लेट को मजबूती के लिए। अगर इस तरह है, देखिए यह रिब्स है यानी हमारा एंगल प्लेट इस तरह है ना, तो यहीं पे एक सपोर्टिंग ये दोनों क्या लगे, यही रिब्स है हमारे, यह एंगल प्लेट हमारा बना था, इसमें यह सपोर्टिंग लगा है, क्या लगा है सपोर्ट, यानी उसको टूटने से बचाने के लिए भी कर सकते हैं कि टूटने से बचाने के लिए भी करते हैं, या फिर उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे रिब्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना। अब देखिए बॉक्स, बॉक्स मतलब यह 90 डिग्री में चारों तरफ से 90 डिग्री में एक बॉक्स की तरह होगा, जैसे हमारा ये बॉक्स, जैसे मान लीजिए भाई ये एक बॉक्स की तरह चारों तरफ से क्या होगा 90 डिग्री में होगा और एक बॉक्स की तरह होगा, इसे किसी भी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं रखकर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडजस्टेबल, यानी इसको किसी विशेष स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सतह के साथ हम लोग इसको नट बोल्ट के द्वारा कसकर हम इसको 90 डिग्री में लाकर अपना यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी इसको एडजस्टेबल से मतलब ही क्या, हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल का अन्य नाम क्या है, स्विवल, कहीं कहीं आप लोगों को एडजस्टेबल ना दिखे तो स्विवल टाइप भी आप लोगों को दिख जाएगा, स्विवल टाइप एंगल प्लेट, तो आप लोग घबराइएगा मत, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग करीब 10 ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो एग्जाम से पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगला क्या पूछता है, इसका स्पेसिफिकेशन, लास्ट स्पेसिफिकेशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार इनके नंबर, इनके नंबर ग्रेड व आईएस नंबर से क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसके नंबर, इसके जो नंबर होंगे जो इसका ग्रेड होगा या नंबर कितने नंबरों में मिलता है, आईएस नंबर जो होते हैं 1 से 10 नंबर होते हैं वो कितने नंबरों में मिल रहा है, कितने ग्रेड, किस ग्रेड में, ग्रेड 1 है कि ग्रेड 2 है, फिर उसके बाद आईएस नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशन भी आप लोग समझ गए कैसे करते हैं, एग्जाम से पूछ देगा स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, आपसे हम दे देगा तो आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट हमारा पूछ देगा कभी कभी ग्रेड 2 की एंगल प्लेट 1 से 10 नंबर बनाई जाती है। ठीक है, अगर ग्रेड 2 का एंगल प्लेट अगर पूछ देगा कितने नंबरों में बनाई जाती है तो आप लोग बता सकते हैं कि 1 से 10 नंबरों में। बस आप लोग जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम में जरूरी है, जो एग्जाम से बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हमारा अभी फिलहाल में ELP की वैकेंसी आने वाली है, या फिर CITS एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, या फिर आप ITI के स्टूडेंट हैं, यानी किसी भी ITI से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली बाई डेली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट, और आप लोगों को अच्छी तरीके से हमने बताया क्या होता है सरफेस प्लेट, क्या होता है एंगल प्लेट, इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। तो जय हिंद दोस्तों।